आज जो आज क्या कई दिन से हम लोग रसोई चला रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का हमारा तरीका है। उसको ही परंपरा को चालू रखते हुए हमारे अध्यक्ष श्री माननीय अजय कुमार लल्लू जी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन उनको अरेस्ट करके और आज उनको जेल में डाल के रखा हुआ है, 25 मई से वो लगातार जेल में है। ये निंदनीय जो कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसके खिलाफ हम लोग एक सत्याग्रह के रूप में ये रसोई चला रहे हैं, क्योंकि देश आज एक बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। आदमी के पास रोजगार नहीं है, गरीब आदमी दर दर भटक रहा है। उन सबको हम लोग खाना रसोई चलाकर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद करें, और साथ ही साथ ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका हमने निकाला है। देखिए, आज जैसा आपको पहले से ही जानकारी है कि हमारी अजय कुमार लल्लू जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर हम गांधीवादी तरीके से सेवा भाव जारी रहेगा, उसी के तहत आज 5 तारीख से लगातार हमारी रसोई चल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति लगी तो भाभी जी की रसोई के तहत हमारे यहाँ खाना वितरण हमने किया था। उसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय पर रसोई सांझी रसोई के नाम तहत हमने खाना वितरण किया था, और अब अजय कुमार लल्लू जी महारसोई के नाम से हम 5 तारीख से इसका रसोई को चला रहे हैं। और ज़रूरतमंद लोग जो हैं, पूरे जनपद में हम हर तहसील में खाना भेजते हैं, इसी के तहत आज हमारा ये तीसरा चौथा दिन है और हम लगातार इसको 12 तारीख तक करते रहेंगे। क्योंकि इस तानाशाह सरकार ने जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जो सेवा भाव के तरीके से किसानों की और मजदूरों की मदद कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजने का काम किया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारा सत्याग्रह 12 तारीख तक जारी रहेगा।